सर जो जय श्री राम के नारे लग रहे थे और क्या क्या नारे लग रहे थे इधर? नहीं जी, जय श्री राम और वंदे मातरम और अमर शहीद अमर रहे बस, और कोई नारा नहीं लग रहा? और कोई नारा नहीं लग रहा, ना मुल्लों का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का नारा नहीं लग रहा? ऐसा कोई नारा नहीं लग रहा था सर। वीडियो पे आप इसी नारे को लगाते हुए दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो गलती से लग गया होगा। वो नारा क्यों लगा रहे थे आप? देखो जी, ये हमारी जमीन है और हमारी दादा लाई जमीन है, और मुसलमानों का नहीं है। नहीं, मुसलमानों का ही है, लेकिन खुले में नवाज का विरोध कर रहे हैं हम। ना मुल्लों का ना काजी का, लाइन का अर्थ क्या है फिर? ये किसी और का नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। आप इसका इतिहास उठा के देखिए। तो फिर आप क्यों कह रहे थे कि आपसे गलती हो गया इस नारे उठा के? नहीं, ये नारा लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जरूरत पड़ी तो ये नारे हम और भी लगाएंगे। हम यहाँ शांति से नमाज पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ हमें नमाज पढ़ने दे लोग, और ऊपर से मेरे साथ मारपीट की। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ खड़ा था खाली, मैं सोचा चल निकल, मेरे पीछे से थप्पड़ मारा। कौन सा मजहब ऐसा है जो किसी चीज को पूजा को मना करता है या नमाज पढ़ने को मना करता है? क्या राम मना करते हैं कि नमाज मत पढ़ो? हमारा मकसद यही है कि भाई ये नमाज यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अपने घरों में पढ़ो, अपना जो इनका क्या बोलते हैं उसको मस्जिद है वहाँ पढ़ो। जबरदस्ती बुलवाओगे, मैं जबरदस्ती जैसे राम नहीं बोलूंगा। मैं नहीं बोला, इन लोगों ने मार पिटाई चालू कर दी। ये कपड़े फटे हुए हैं और ये चोट लगी पड़ी है मेरे, ये देखो ये चोट लगी पड़ी है मेरे सर, उन्होंने घूसों से मारा। एक घुसंड यहाँ पे लगाया मेरे, यहाँ दर्द हो रहा है, घुसंड मारा उन्होंने। या भारत की नागरिकता केवल उनके पास इसलिए है कि भारत में रह सके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के मैं बोल रहा हूँ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है हमारी कोर्ट, उसमें कोई दोराय नहीं है। तुम अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर अपने हाथों में अर्थशास्त्र धारण करें और देश विरोधी गतिविधियां अगर यहाँ पनपती है उनको रोको, टोको, और ना माने तो उनको ठोको। मैंने कहा रोको, आपके घर में चोर घुसा आपने रोका, फिर टोको कि मत घुसो घर में, पर चोर का बात नहीं हो रहा था। फिर भी कोई चोर ही है। आपको किसको लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप बोलो उधर, आपको किसको लग रहा है? आप बताओ, आपको कौन लग रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है? हम मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं मुसलमान का नाम आपने लिया, देखो भाई हो, मुसलमान का नाम कौन ले रहा है? प्रबोधानंद जी अपने इंटरव्यू में और स्पीच में बोला है कि जिहादी हर वो व्यक्ति है जो कुरान समझता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जिन्होंने हमको काफिर कहा है। बिल्ली कबूतर को खाने के लिए झपट्टा मारती, ये जो जिहादी नाम की बिल्ली है कबूतर को खड़े होकर के आंखें खोल करके, और ये कबूतर नाम का आदमी हिंदू है, इसको आंखें खोल करके उस बिल्ली का सामना करना पड़ेगा। और ये जो सबक सीख जाएगी जिहादी नाम की बिल्ली, और ये जब भी सीखेगी इसकी दोनों आगे फोड़ दो। विश्व के जितने भी मुसलमान हैं सभी मुसलमान अपने आप में नष्ट हो जाएंगे। भारत सरकार पे हम और आप मिलकर के ये दबाव डाले कि देवबंदी को नष्ट कर दिया जाए, बरेली को नष्ट कर दिया जाए और भाभी को नष्ट कर दिया जाए। संविधान से ऊपर हमारा देश, हमारी मानवता, मानवता खतरे में है, इसलिए इस्लामिक जिहाद के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है। और खुलेआम चौराहों पर गर्म तेल से उनको स्नान कराया जाए, लोहों के डंडों से मालिश किया जाए, और आपने बोले क्या लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में नंबर वन पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है, तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और
लोग खिलाफ कब लिखते हैं? मिसाल के तौर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचाए अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैंने कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन दाखलाता था, बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को, लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीब में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17 22 32 40 में नहीं लिखा है वलकद यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़ाल्म मुद्दकर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलत फहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहां के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, इसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं, जब मैं तकरीर करता हूं बात करते कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते। हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कहे सबकते लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, बोलेंगे जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है। मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है, उसको खुद को मैं दिखाऊंगा आपने कहा नहीं नहीं। हो सकता है सबकते लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग, वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा जोड़ दिया अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है मीडिया, मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादिन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके। तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके सवाल का मौका, आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहां रहता है, होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूं वो बहु पूछे, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई इंसान हूं, मैं थोड़ी कहता हूं मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी कहा भी नहीं मालूम हूं। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिया गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत भी हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं, हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुभान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है
और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो जरा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के जरिए साबित करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के जरिए साबित करता हूं, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे मैं क्या, मोहम्मद सल्लम को मानना हराम है, अभी ये लेंगे तो बताइए, जाकिर भाई ने कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे, मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे, तो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए, और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए, ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो पे हमने शुरुआती पे कुछ अनभक्तों को देखा जो कि नारेबाजी कर रहे थे। सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान इस देश का बराबरी का हिस्सेदार है, बराबरी का रहने वाला है और यहाँ का नागरिक है, उसको यहाँ कोई भी कुछ इस तरीके की हरकतें या बातें नहीं बोल सकता। वो इस देश में उतना ही रह सकता है जितने बाकी के लोग रह रहे हैं, मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है, कोई अलग नहीं है। लेकिन इन अनभक्तों की वजह से क्या होता है कि लोगों पे माशरे पे नफरत फैलने वाला काम करते, शांति को ये लोग भंग करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसा करके अपने ही मजहब का नाम खराब कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जय श्री राम का जो नारे ये लोग जबरदस्ती लगवाते हैं, श्री राम का नाम खराब कर रहे हैं ये लोग। कभी भी उन्होंने इस तरीके की ना हरकतें अपने टाइम में की, ना ही बोली करने के लिए। तो ये लोग कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं? वाकई में ये लोग तो श्री राम को मानने वाले लोग ही नहीं है। ये लोग तो ऐसे है कि मतलब बस अपनी मनमानी कर रहे हैं, ढोंग मचा रहे हैं मार्केट में। तो इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म इस चीज के खिलाफ है और सनातन धर्म इस चीज की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी यह सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।